चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इस पोस्ट में आने के बाद अब तक की सबसे बड़ी मिशन को लीड करने वाले हैं। क्या एचएएल को ब्राजीलियन एरोस्पेस की 51% शेयर को खरीदना चाहिए? क्या भारत न्यूक्लियर सबमरीन और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेस में चाइना से पीछे पड़ रहा है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से दिए गए चैलेंज को भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से। एचएएल के फॉर्मर चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर के त्यागी जी ने अभी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह जी के पास एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भारत को अभी ब्राजीलियन एरोस्पेस की कम से कम 51% शेयर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एम्ब्रर की EJT2 मीडियम एयरलाइन और साथ ही ERJ145 हमारे उड़ान स्कीम के अंदर काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और हमें इस स्कीम के अंदर कम से कम 300 के आसपास नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक अच्छा मौका यह है कि अभी एम्ब्रर की तरफ से अपनी 80% शेयर को बेचने का फैसला किया गया है, क्योंकि बोइंग के साथ उनका जो सौदा होने वाला था वो भी कैंसिल हो चुकी है और बोइंग की तरफ से अभी एम्ब्रर की शेयर को खरीदने के लिए इनकार कर दिया गया है, क्योंकि जब ये डील फाइनल हुआ था तब एम्ब्रर की जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब $4.2 बिलियन के आसपास की थी, लेकिन अभी वो गिर के $1.1 बिलियन हो चुकी है। तो अगर अभी भारत इसको खरीद लेता है तो फ्यूचर में इन जेट को भारत में इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह कि हमको इसकी मेजोरिटी शेयर को खरीदना चाहिए, क्योंकि चाइना भी इसमें अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सब इस बात को जानते होंगे कि भारत की तरफ से हमेशा ये क्लेम किया जा रहा है कि LOC के उस पार पाकिस्तान में कई टेरर लॉन्च पैड मौजूद है, जहां से आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता है और इनको पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी पर रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दिया था। इसी बात को काउंटर करते हुए अभी पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन को एक रिक्वेस्ट किया गया है और वो यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर लॉन्च पैड मौजूद हैं, तो भारत को इसका सबूत देना चाहिए और साथ ही सेम एविडेंस को यूनाइटेड नेशन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी शेयर करना चाहिए। वो एक तरीके से अभी भारत को ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि भारत अभी फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कश्मीर में फेक फ्लैग ऑपरेशंस को कर रहा है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में चल रहे फायरिंग की वजह से अभी यूनाइटेड नेशन के चीफ ने खुद अभी बॉर्डर पर तनाव को कम करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। दोस्तों, चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडियन नेवी के लिए पहले से एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। साथ ही अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया है कि चाइनीज नेवी में अभी 6 टाइप 94 ए क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेशनल हो चुकी है। टाइप 94 यानी कि जिन क्लास की सबमरीन के एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। जिन क्लास की सबमरीन की लेंथ करीब 135 मीटर होती है और इसमें 12 लॉन्च ट्यूब मौजूद होते हैं और इसमें चाइना की JL-2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। ये मिसाइल करीब 7200 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और इसमें एक ही बार में 3 वॉरेड को कैरी किया जा सकता है। लेकिन टाइप 94 ए क्लास की सबमरीन में 12 के बदले 16 लॉन्च ट्यूब्स होते हैं और इसमें JL-2A मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, जिसकी रेंज JL-2 से भी ज्यादा बताई जाती है और चाइनीज क्लेम के मुताबिक इसकी रेंज के अंदर पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट आ सकता है। वहीं पर हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकती है और इसका नाम INS अरिहंत है और फिलहाल इसमें सिर्फ K-15 मिसाइल को ही डिप्लॉय किया गया है, जो कि सिर्फ 750 किलोमीटर तक ही मार्क कर सकती है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। जी मीडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन की तरफ से अभी कश्मीर में मेजर टेरर अटैक्स को लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्लेम करते हैं कि ये एक तरीके की फिदायन अटैक हो सकती है, जिसको 11 मई को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एक मेजर वजह यह है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 27 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इसका बदला लेने के लिए अभी जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन के टॉप लेवल के कमांडर मुफ्ती अब्दुल असगर और ISI के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए ISI और पाकिस्तानी आर्मी एक साथ मिलकर करीब 20 से 30 आतंकवादियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। ANMAC रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी 14 वॉरशिप्स को गल्फ रीजन में डिप्लॉय करने के लिए तैयार करके रखा गया है।
इन वॉरशिप्स को मेनली वहां पर फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने के लिए भेजा जाएगा और इनिशियली वहां पर 3 वॉरशिप भेजने का प्लान किया गया था, जिसमें आईएनएस जलस्वा के साथ 2 कुंभीर क्लास की एम्फीबियस शिप्स होने वाले थे, लेकिन अभी 14 वॉरशिप्स को डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करके रखा गया है। इनमें से 4 ईस्टर्न कमांड, 4 वेस्टर्न कमांड, 3 सदर्न कमांड और 2 अंडमान और निकोबार कमांड के होने वाले हैं। हमारे नेवी के वाइस चीफ एडमिरल जी अशोक कुमार जी ने बताया कि वो हर तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं और इसके लिए करीब 14 वॉरशिप अभी तैयार करके रखे गए हैं। इस ऑपरेशन को हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से जॉइंटली लीड किया जा रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स को भी शामिल करने का प्लान किया गया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले नेवी एक बार में ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर सकती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।